व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब, आई होप कि अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं वीडियो लेकर वापस, और आज का प्लान है हमारा कुछ घूमने का। तो हम सोच रहे थे कि आज कहीं जाएंगे, तो फाइनली हमने एक जगह सेलेक्ट कर ली। एक्चुअली एक जगह नहीं, दो जगह है, तो दो जगह में से कहीं पर भी जा सकते हैं। एक तो हो गया एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी जा सकते हैं, या फिर दूसरी जगह हो गई लाल किला। तो दो में से जाएंगे, अभी आगे जाके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बने रहना वीडियो पे, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 2:14, ठीक है, और अभी हम लोग बहुत लेट निकले हैं, जो कि गलती है हमारी। तो अभी चलते हैं अपन आगे और पकड़ते हैं एक रिक्शा से चलेंगे मिनिनियम सिटी सेंटर, फिर सिटी सेंटर से चलेंगे अपन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहना, वीडियो पे बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस मैं हूँ अभी गुरुग्राम सेक्टर 46, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस सिटी है, बहुत ही मस्त सिटी है यहाँ पर, और अभी हमें जल्दी पार करना पड़ेगा। तो ये रहा रेड लाइट एरिया, जहाँ पे हमें अभी वेट करना पड़ेगा टैक्सी का। तो टैक्सी आने वाली है थोड़ी देर में, फिर यहाँ से सीधा 2 किलोमीटर दूर है मिलेनियम सिटी सेंटर, उधर से हमें पकड़ना पड़ेगा मेट्रो, मेट्रो से सीधा चलेंगे एयरपोर्ट पे, ठीक है। फाइनली आ चुके हम लोग मिलेनियम सिटी सेंटर, यहाँ से हमें टिकट परचेज करनी है। यहाँ से फिर हम जाएंगे टर्मिनल 1, और जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। मेरे पास 1 कार्ड है, तो मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा, तो टॉपअप के लिए हमें जाना पड़ेगा इंग्लिश टॉपअप। अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है तो आप मेट्रो कार्ड में टॉपअप करवा सकते हो, इसके देन आप जा सकते हो मेट्रो के अंदर। और मैंने तो व्हाट्सएप पे टिकट बुकिंग कर ली थी, फिर हमारी आ जाती है मेट्रो, जो कि हमें लेके जाएगी मिलेनियम सिटी सेंटर से न्यू दिल्ली। तो गाइस आपको सबसे पहले एक बात बताना है मुझे, अगर आपको एयरपोर्ट घूमने जाना है तो आपको सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन से न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा, देन आपको फिर टिकट परचेज करनी पड़ेगी, जो कि ऑफलाइन कर सकते हो। अगर ऑनलाइन नहीं होगी तो ऑफलाइन कर लेना, फिर इसके बाद जा सकते हो। तो गाइस अभी हम हैं यहाँ पर, और हमें जाना है इधर से सीधा यहाँ पर टर्मिनल 3, ठीक है। गाइस फाइनली अभी हम लोग हैं नई दिल्ली, और हमें जाना है अभी एयरपोर्ट, जो कि हमें ये वाली लाइन पकड़नी पड़ेगी, ये देख सकते हो। तो इसको फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो गाइस अभी हम दिल्ली में खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से हमने कटवा ली है टर्मिनल 3 की टिकट, जो कि मुझे 60 रुपये टिकट पड़ी है। यहाँ से सीधा जाऊँगा टर्मिनल 3 पे, और आपको आगे की जानकारी देता हूँ, सीधे एयरपोर्ट पे मिलता हूँ, ठीक है। तो आपको न्यू दिल्ली से टिकट परचेस कर लेनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, फिर देन इसके बाद आपको न्यू मेट्रो मिलेगी, जो स्पेशली एयरपोर्ट के लिए चलाई गई है। तो आपको सुपर फास्ट मेट्रो पर बैठ जाना है, उसके बाद आपको आधा घंटा बाद आप पहुंच जाओगे एयरपोर्ट, जो कि टर्मिनल 3 में आपको पहुंचा देगी डायरेक्ट। अगर आपको टर्मिनल 1 में जाना है तो उसके बाद आप पैदल जा सकते हो, पैदल चल के आपको टर्मिनल 1 पर जाना पड़ेगा। फाइनली हम आ चुके हैं एयरपोर्ट, गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 और 3 में, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट के अंदर, और देखते हैं हमें एंट्री मिलती है। एक्चुअली एंट्री के पैसे लगेंगे हमें। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट में, और देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर, और हम लोग बस घूमने के लिए आए हैं, हमें जाना कहीं पर नहीं है। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम लोग एयरपोर्ट में, और देख सकते हो कुछ ऐसा एयरपोर्ट है IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत अच्छा व्यू है, और हमें तो कहीं पे जाने नहीं था, बस हम घूमने के लिए आए हैं। तो गाइस हम लोग अभी एयरपोर्ट के अंदर तो नहीं आए, मतलब जहाँ पे हमें मतलब जाना था वहाँ पर तो एंट्री नहीं मिली, उसके लिए पैसे लगते हैं। पैसे नहीं मतलब आपकी टिकट होनी चाहिए जहाँ पे आपको जाना है, बट हमें तो कहीं पे जाना नहीं था, बस ऐसे देखने के लिए आए हैं। तो अभी एयरपोर्ट का कुछ ऐसा झलक देख सकते हो, ये रही कुछ एरोप्लेन जो कि रनवे पर जा रही है, कोई टेक ऑफ कर रही है, कोई उतर रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा एयरपोर्ट है, अगर आपको आना है एयरपोर्ट तो सबसे पहले आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा, जो कि आपको नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। न्यू दिल्ली से आपको फिर टर्मिनल 3 के लिए टिकट कटवानी पड़ेगी, फिर आप एयरपोर्ट पर आ जाओगे। तो गाइस ये देख सकते हो कुछ ऐसा व्यू है एयरपोर्ट का, फिर बाहर कितनी तेज आओ तुम्हें।
यही बात नहीं आती बवाली जब है उतरी। तो गाइस ये जा रही है एक हवाई जहाज एरोप्लेन, एक उतर रही है, देख सकते हो ये आ रही है, ये आ रही है एक। भाई हम भी जाएंगे कभी ना कभी, सपना अपना। तो गाइस ये रहा टर्मिनल 3 और हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, दिल्ली भारत का, ठीक है। तो अभी हम लोग घूम रहे थे, वैसे ऐसे इसके अंदर नहीं जा सकते, इसके अंदर अगर जाना है आपको तो आपको 250 रुपये या 100 रुपये से 250 रुपये तक आपको लग सकता है, जो कि आप 2-3 घंटे घूम सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, मतलब बीच बीच में घूम सकते हो। ऐसे हम घूमने आए थे, आपने वीडियो देख ली होगी, ये कुछ ऐसा माहौल है। तो ये कुछ ऐसा मतलब फ़्लाइट चेक इन इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपकी कौन सी फ़्लाइट है, कितने बजे जाएगी, कहाँ पर जाना है, ये सब लिखा होगा इसमें, जैसे कि दिखा देता हूँ, देख सकते हो। एक मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, मुंबई, अबू धाबी, इंटरनेशनल वो भी जाती है, प्लान भी जाती है। ज़ूम करो, ओ मामा, ये कौन उतर रही, ओ मामा तीन तीन जाने देखा, बकरा मामा चलंदी भी दिखा 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 वो चल रही है, चलने वाली दिखा दिखा सही से जूम कर दो, हिला ना पकड़े रहा वीडियो वायरल हो जाए तो बस कुछ बस अभी नहीं बन।